आपको सीधा गाजीपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और संबोधन उनका शुरू हो चुका है। सीधा आपको मिले चलते हैं। देशलाल यादव निरहुआ जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित गाजीपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महाराज गादी की इस पावन धरा पर मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सभी गाजीपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संगठन के कौशल को जन जन तक पहुंचाने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने द्वितीय कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की पावन धरा और मां गंगा के आशीर्वाद से अभिसिंचित संतों ऋषियों सैनिकों की इस पावन धरा गाजीपुर में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गाजीपुर की पहचान महाराज गादी से रही है। रामायण में इस बात का उल्लेख भी है, जब संत तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करते हैं, राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का माध्यम क्या है। उस समय एक पंक्ति हम सबके मुंह में बरबसा पाती है कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निसिचर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे समन्था महाविष्णु का। विश्वामित्र से जुड़ी भी इस पावन धरा, और इसीलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जो मेडिकल कॉलेज इस धरती को मिला था, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही रखा। भाइयों बहनों, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जो मेडिकल कॉलेज इस धरती को मिला था, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही रखा। भाइयों बहनों, राम हमारी विरासत है। 500 वर्षों की एक लंबे संघर्ष और साधना का सार्थक स्वरूप आज हम सबके सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अपने
अंतिम चरणों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, और ये चीज आज हमें वहां देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और अभी हम इससे पहले पोहारी बाबा के आश्रम में गए थे, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया था, संवाद का एक क्रम किस रूप में आगे बढ़ा। गाजीपुर की धरती को तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि ऋषियों मुनियों संतों तपस्वियों और सैनिकों की ओज और तेज से साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक ओर विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में गांव की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार प्रसार हुआ, और साथ साथ यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जल मार्ग का यहां के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली का बिजली चमकती हुई दिखाई दे, ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल, ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस क्रम को निरंतरता दे सकें, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जाति मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था, और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया, और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहां पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को केंद्र बिंदु बनाया है आपके गाजीपुर जिले को, और आपका आह्वान करूंगा। आपने डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है, हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सकें। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए,
सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।